दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप के सवाल बताने वाला हूं, अगर इन्हें सॉल्व करना हो विद इन फ्यू सेकेंड यानी एक सेकेंड से भी कम समय में। तो अगर आपको सवाल दिया अगर हो तो आप क्या आंसर इसका 1/30 आएगा, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, इसका आंसर x+5/x+1 आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा आप सोच रहे होंगे, सर याद करके आए। बिल्कुल याद वाद कुछ नहीं किया है। क्या है दोस्तों, यही लॉजिक आपको समझाना इस वीडियो के अंदर, बस इतनी फास्ट आप भी लगाएंगे सवाल। तो वीडियो देखिए पूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका एक बार फिर से नंबर 1 स्टडी चैनल A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 है आपका, पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन, टाइप 4 हम लोग पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपकी समझ में ना आए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल ट्रिक से बताने वाला हूँ, एक बेहतरीन ट्रिक। आपको पूरा वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, सिर्फ एक लाइन में आंसर आएगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं दमदार तरीके से। आपका दोस्तों सरलीकरण का इस वीडियो का पहला सवाल है, मैं आपको आज ट्रिक और लॉजिक सब कुछ बताने वाला हूं। आपका पहला सवाल है, इस टाइप के सवाल लाया हूं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी आप अपना काम कीजिए, अभी मैं जो बताने वाला हूं उन चीजों को बारीकी से सीखना है मेरे दोस्तों। क्या है आपका 1-1/2 है, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 से 1 गया आपका, 2 से 1 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 2 लिख लिया, यही आपका लिखा है। यहां से ब्रैकेट दोस्तों हटाते हैं तो इसका मतलब इनटू लगा है, लगा दिया गुड़े का साइन। अब क्या है आपका 3 × 3 से 1 गया आपका, क्या हो गया दोस्तों 2/3, फिर से गुणा लगाया, 4 × 4 से 1 गया, कितना बचा आपका 3/4 हो गया। फिर गुणा लगाएंगे 5 × 5, 5 से 1 गया 4 और बटा में हम 5 लिख देंगे। ऐसे आपका चलता चला जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 30 × 30 हो जाएगा, 30 से 1 जाएगा दोस्तों 29/30 हो जाएगा। इतना क्लियर है भाई सबको, बहुत शानदार तरीके से अब आपको चीजों को बताने वाला हूं, बने रहिएगा। क्या है दोस्तों, यहां से 2 कैंसिल आपका हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 5 अगर आगे सीरीज में 5 होगा ना भाई, 5/6 होगा, तो 5 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहां पर, कहीं 29 होगा, समझिएगा चीज को। यहां पे भाई 5/6 जाएगा, फिर 6/7 जाएगा, ऐसे आपका क्या जाएगा, आपका जाएगा 28/29, इसके जस्ट पहले वाला टर्म होगा जो 29 आपका उससे कट जाएगा। बचा क्या है मेरे दोस्तों, ये वाला 1 आपका बचा है लिख लीजिएगा, और ये वाला बटा में 30 बचा है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये तो हमने की लॉजिक की बात, अब आपके साथ करने वाला हूं ट्रिक की बात। अब ट्रिक की बात इसी में करते हैं, आपको ट्रिक भी समझाते हैं, और ट्रिक अच्छी लग जाए तो फिर आगे वीडियो पूरा देखिएगा ऐसी, क्योंकि शानदार ट्रिक्स के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है ट्रिक, क्या है दोस्तों, अगर ऐसे आपका क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, देखिए इधर 2, 3, 4, 5 ऐसे जाके 30 तक, और फिर 1, 2, 3, 4 आगे जाके 29 तक, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो मैं शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। पहला आपका टर्म जो हो जाएगा इधर से ले लीजिए, या आप सीधे यहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका वही चीज है जो यहाँ पर है, डिनोमिनेटर चेंज होगा नहीं। तो मान लिया मैंने यहाँ से ले लिया, और फिर लास्ट टर्म कौन सा है आपका, ये है। अब इसमें से हमेशा 1 कम कर देना है, क्या करना है 1 कम कर देना है, और इसमें आपका क्या है डिनोमिनेटर 30 है, तो आपको 30 लिख देना आंसर आ जाएगा, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बात थी लॉजिक की, यहाँ हमने लॉजिक क्लियर किया, मेथड क्या है इसे सॉल्व करने का, भाई हवा हवाई बातें तो कर नहीं सकते,
मैथ है, इसलिए मैंने लॉजिक भी आपको बताया और ट्रिक बताया, बस ट्रिक यही है। जब भी ऐसा सवाल आएगा आप पहले टर्म से एक माइनस करेंगे और इसे बटा में लिख देंगे। क्लियर है भाई? पहला पहला पद माइनस एक बटा अंतिम पद, ये हमने अपने पास से बनाया है आपका, तो इसमें समझ जाना है आपको, पहला पद ये वाला आपका बटा वाला है, इसमें से एक माइनस कर दीजिए और आप बटा करके अंतिम पद ये वाला हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़े दो नंबर सवाल की तरफ, तो अब सेकेंड सवाल आपका सामने है और इसमें मैं समझता हूँ आपको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत निकाल लेंगे। आप मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर, आपका 5 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? मैं अगर आपसे कहूं अगर 5 में से 1 कम कर दे तो 4 हो जाएगा और यहां लास्ट टर्म आपका 8 है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, आपका 1/2 आपके सामने। देखा सा, बिल्कुल अलग तरीके से, अलग हटके हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, बिल्कुल अलग से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। इतनी फास्ट, मतलब सेकंड भी ना लगे, इतनी फास्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। क्या है आपका, ये तो रही ट्रिक की बात, अगर लॉजिक की बात की जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 से 1 गया आपका, 4/5 हो जाएगा, 6 × 6, 6 से आपका 1 माइनस किया, 5 बचा, बटा 6 किया, इंटू 7 × 7 से 1 गया आपका, 6/7 हो गया, इंटू आपका 8 × 8 हो गया और 1 माइनस कर दिया, 7/8 हो गया। अब क्या करना है, 5 5 निकल जाएगा और 6 6 आपका चला जाएगा और आपका 7 7 चला जाएगा, क्या आपके पास बचेगा? या अभी काटने को थोड़ा रुक जाते हैं, 4 ऊपर बचेगा, 8 नीचे वाला, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 1/2। जो चीज़ आपके लॉजिक से आती है वही आपकी ट्रिक से आती है, बेहतरीन दमदार ट्रिक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे आपका दोस्तों, तीसरा सवाल नेक्स्ट आपका आपके सामने है। क्या सवाल है आप अच्छे से पढ़ लीजिए और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको सेकंड भी लगेंगे इसे सॉल्व करने में, इसे बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बताया है। अगर मुझसे कहो तो मैं 1 सेकंड में लगा दूंगा, क्या करूंगा, 3 से 1 2 माइनस, मतलब 3 से 1 माइनस करूंगा, 2/99 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी यार फास्ट कोई बताता है क्या, इतनी फास्ट कोई आंसर ला पाता है क्या? आपको सेकंड में लगाना है और अगर आपने इन ट्रिकों को सीख लिया है तो आपका एग्जाम, अगर 1 घंटा मिला है आपका एक पेपर पर, मान लीजिए वैसे तो 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट में करने होते हैं, अगर इसी तरीके से आपने किया है तो मुझे नहीं लगता कि आप 10 मिनट से ऊपर टाइम लेंगे। तो आपका ट्रिक सीखनी है, बेहतरीन ढंग से सीखनी है, लॉजिक सीखना है, लॉजिक भी आपका आप जानते हैं कैसे करेंगे भाई, 3 × 3 = 2, 2/3 हो जाएगा, 4 × 4, 4 से 1, 3/4 हो जाएगा, ऐसे करके वो कट जाएगा भाई, करके भी आपको दिखा देते हैं, 3 × 3 और 2/3 हो जाएगा, इंटू आपका 3/4, इंटू आपका 4/5 हो जाएगा, 4/5 ऐसे आपका चला जाएगा और यहाँ 98/99 हो जाएगा, यहाँ ऐसे आपका 3 4 आगे 5 भी कट जाएगा और 98 भी कट जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ 2 और 99। बस क्लियर है यार, टाइम लगना ही नहीं है, बेहतरीन तरीके से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। आपके SSC GD के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, SSC GD शाम 4 बजे आपका बैच होता है मेरे दोस्तों, शाम 4 बजे हर रोज आपका एक वीडियो अपडेट होता है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो पढ़ते ही आपको अपडेट मिल जाए। तो हम बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ, एक नए तरीके का
एक आपके लिए बेहतरीन सवाल आपके सामने। तो चार नंबर अब आपके सामने दोस्तों सवाल, और सवाल क्या है, अगला है, अगले टाइप का सवाल है, क्या है आपका, वन माइनस वन अपन एन, इसमें लास्ट में। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है, मैं जानता हूं आप सब बहुत होशियार हैं। क्या करेंगे, मैंने जैसे पहले बता चुका हूं, जैसे आपका तीन सवाल में बताया, सेम वैसे करना है। क्या करना है भाई, एक इसमें से माइनस कर दीजिए, तो दो से एक माइनस करेंगे, एक बचेगा, और n क्या है मेरे दोस्तों, n लिख देंगे यार, बस आपका आंसर आपके सामने है, कोई आपको टेंशन लेने की, कोई हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक नैनो सेकंड में आपका आंसर आपके सामने है, इतना आपका फास्ट तरीके से सॉल्व हो रहे हैं सवाल कि दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते पाँच नंबर सवाल की तरफ, पांच नंबर देखिए, इस सवाल में आपका अंतर क्या है पिछले सवालों से, ये अंतर है कि वो सवाल माइनस के थे, ये सवाल आपके प्लस के है। अच्छा, एक बहुत प्यारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, अगर दो सही तीन बटा पाँच लिखा हो तो ये कितना लिखा है, और दो प्लस तीन बटा पाँच लिखा हो तो क्या इनकी वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होती है, पाँच दूनी दस, दस तीन तेरह बटा पाँच आपका हो जाएगा, और पाँच दूनी दस और दस तीन तेरह, वही चीज़ करेंगे इसमें। मान लीजिए आपने अलग ढंग से भी किया एलसीएम लेके, तब भी आप पाँच लिखेंगे और पाँच दूनी दस प्लस तीन तेरह बटा पाँच लिखेंगे, तो इस चीज़ को समझ लेंगे कि ये चीज़ें अलग अलग नहीं, इनकी वैल्यू जब सेम आती है तो ये चीज़ें एक ही हैं। क्लियर है, एक नॉलेज वाली बात थी मैंने आपको बताई है। अब इसमें क्या करना है, ये अलग टाइप का आपका सवाल है, तो क्या करेंगे इसमें, हम सीधे दो एकम दो और प्लस एक तीन बटा दो हो जाएगा, इंटू लगाएंगे आपका तीन एकम तीन एक चार बटा तीन, इंटू आपका पाँच बटा चार, इंटू आपका छः बटा पाँच, ऐसे चलता चला जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, तीस इक्कम तीस एक इकतीस बटा आपका तीस हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें इधर से चीज़ें कटेंगी आपका, इधर कहीं छः होगा भाई आपका, कहीं सात बटा छः होगी, उसके बाद आपका आठ बटा होगी, ऐसे करके होगी ना, तो इसका आपका कट गया, केस ख़त्म इसका हो गया। अब इधर से काटते जाएंगे तो तीस भी कट जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। अब आपका बचा कितना, इकतीस और फिर आपका दो, तो इकतीस ऊपर है, ऊपर रखेंगे, दो आपका डिनोमिनेटर है, आंसर आ गया। अब एक सेकेंड में, एक नैनो सेकेंड में लाना हो तो क्या करेंगे, देख लीजिए बहुत प्यारी सी चीज़ है, एक नैनो सेकेंड में आंसर लाना हो तो अंतिम संख्या उसमें माइनस एक करते थे, इसमें प्लस एक करेंगे, बटा पहली संख्या अब क्या है, अंतिम संख्या आपकी 30 है, प्लस एक कर देंगे, पहली संख्या आपकी 2 है, बटा 2 कर देंगे, 31 बटा 2 हो जाएगा। ट्रिक से लगाओ ना यार, अब आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पर नंबर देखना है, नंबर में एक जोड़ देना है और बट्टा में इतना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं। क्लियर है, यहाँ से मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको क्लियर की है। अब छः नंबर पर चलेंगे और अगला सवाल देखेंगे। तो छः नंबर और सात नंबर आपके सवाल है, दो इसलिए साथ में लाया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर है नहीं, बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, एक सेकंड से भी कम समय में आपको आंसर देना है। क्या है आपका, वन प्लस वन अपान थ्री करके आपकी सीरीज दी हुई है। अब ऐसी सीरीज कहीं भी देख लेंगे आपके एग्जाम में, अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऐसा सवाल बताने वाला हूँ जो UPSC की CDS परीक्षा में पूछा गया है, तो वो भी आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या करेंगे, आपके छह नंबर सवाल में आप आंख बंद करेंगे, 100 में एक जोड़ देंगे और बटा पहली संख्या लिख देंगे, आपका आंसर आ चुका है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। शानदार ट्रिक है, बहुत धांसू है। यहां से 74 में एक जोड़ देंगे, 75 हो जाएगा, बटा पांच लिख देंगे, पांच से 15 बार में कट जाएगा, इसका आंसर 15 आ जाएगा, केस खत्म।
फाइल क्लोज, फाइल बंद हो गई आपकी, क्या है। अब 8 नंबर सवाल देखते हैं जो यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर दोस्तों अगला सवाल है, आपका सवाल है धासु टाइप का, एक चमकता दमकता हुआ सवाल है। यही आपका यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया सवाल है दोस्तों। क्या है, नॉर्मली अगर स्टूडेंट देख लेना इसे तो एक बार डर जरूर जाएगा। क्या कहेगा, हाँ यहाँ तो x है, x प्लस 4, x प्लस 3, इसे कैसे करेंगे। मैंने आपको जैसे सारे सवाल बताए, सेम एक लाइन में अगर आ जाए तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार। तो क्या करेंगे भाई, मैंने कहा लास्ट लेंगे, लास्ट संख्या लेंगे, तो x प्लस 4 है भाई लास्ट, तो x प्लस 4 लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया कि अगर प्लस वाला होगा तो प्लस करेंगे, एक प्लस करेंगे, एक कर दिया। अब मैंने कहा उसके बटे में हम पहली संख्या लिख लेंगे, पहली संख्या लिख लिया, x प्लस आपका 4 प्लस 1 है ये 5 हो जाएगा, यानी x प्लस 5 हो जाएगा, नीचे अपान में x प्लस 1 हो जाएगा। कहाँ भाई आपका देर लगी? अगर आपको चीज़ों को पता है, आपको ट्रिक पता है, लॉजिक पता है, तो चाहे जहाँ भी पूछा गया हो, चाहे जितना भी हार्ड हो आपका सवाल, चाहे जितना कठिन हो, आप सेकंड में स्मार्ट वर्क से लगा देंगे। आप स्मार्ट हैं, आप सब लोग, दुनिया स्मार्ट हो रही है, डिजिटल हो रही है, तो हम लोगों का दिमाग भी स्मार्ट है और डिजिटल है। तो शानदार तरीके का आज का ये वीडियो आपको लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।